और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के विरोध के बाद मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के विधेयक पर केंद्र सरकार पुनर्विचार कर रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि 17 सितंबर को संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ। इससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने जिन 8 बिलों की सूची विपक्ष को दी उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल नहीं था। क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाला विधेयक, ये जान लेते हैं। मोदी सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति विधेयक गत मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और भत्ता कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सेवा से संबंधित कानून के मुताबिक उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। सरकार के एक सूत्र का कहना है कि दर्जा बदलने के बावजूद चुनाव अधिकारियों का वेतन पहले के जितना ही रहेगा, लेकिन मौजूद विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव के समान होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान नहीं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस विधेयक पर स्थिति साफ नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में ये स्पष्ट किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने के 6 वर्ष तक के लिए या उनके 65 वर्ष की आयु पूरा करने या इनमें से जो पहले हो प्रभावी होगा वो माना जाएगा। क्यों हो रहा है विधेयक का विरोध, ये भी जान लेते हैं। दरअसल विधेयक के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर नहीं, इसीलिए उन्हें नौकरशाह माना जा सकता है। चुनाव करवाने के मामले में ये एक जटिल स्थिति हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है। बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया था। तीसरा पॉइंट, सूत्रों की माने तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के चयन के लिए समिति में प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसका भी विपक्ष काफी विरोध कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों यानी कि उनकी नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पदाविधि विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होंगे और समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी LOP और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। इसके प्रावधान के अनुसार यदि लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। विधेयक के विरोध के बाद भी केंद्र सरकार कर रही है पुनर्विचार। दरअसल संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने जिन 8 बिलों की सूची विपक्ष को दी उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल नहीं था, लेकिन मीडिया से बातचीत में एक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि इस बिल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जाएगा। प्रहलाद जोशी से जब इस बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो बताना था वो बता दिया। सूत्रों की माने तो ऐसा किया जा रहा है कि सरकार इसमें संशोधन पर विचार कर रही है, यानी कि प्रहलाद जोशी ने जो कहा वो ठीक था लेकिन सरकार इस बिल को लाने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देख रहे हैं ABP लाइव।